नमस्कार भैया सब्सक्राइबर्स, देख सकते हैं स्क्रीन पर एक 1005 प्रिंटर है। इसमें जो है एक एरर जो हमारा कोड है 50.0, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। हम खुले हुए प्रिंटर पर चलते हैं, वहाँ पर हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग जो है खुले हुए प्रिंटर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आपका जो प्रिंटर 1005 है या 10-20 है, कोई प्रिंटर है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब में ये काम करता है। तो दोनों तरफ जो कैबिनेट लेफ्ट और राइट में रहता है, ओके, उसे खोल लीजिएगा। ओके, अब और इतना पूरा डिटेल्स में खोलिएगा नहीं जितना ये देखिए प्रिंटर खुला हुआ है। ओके, खोलने के बाद देखिए, आप सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली होता है क्या, इसका मतलब यही होता है। अगर एरर 50.0 है तो मतलब आपका जो फ्यूजर यूनिट है जिसमें हीटर लगा रहता है, ये दिखा दूँ आपको यहाँ से, ये हीटर है, ये पूरा खोले हुए हूँ ताकि आपका समय नहीं बर्बाद हो। पूरा खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। पूरे अगर फ्यूजर यूनिट का फॉल्ट देखना चाहते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार बना है आप लोग के लिए। ये देखिए हमारा ये हीटर है। ओके, ये हमारा जो पुराना जो प्रिंटर होता था उससे अच्छा है, उसमें बड़ा सा हॉलिजन जैसा हीटर आता था, बट इसमें पट्टी जैसा है। ओके, फ्यूजर हीटर बोलते हैं, हीटर बोलते हैं। आपको अगर ये परचेज़ करनी है तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ जिसमें सारे पार्ट्स का प्राइस के बारे में डिटेल्स दिया गया है। ओके, तो इसको क्या करनी थी, मैं यहाँ इतना खोलने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, हमारा जो फ्यूजर यूनिट होता है ये इस पर लगा रहता है। ओके, ये इस टैप से दिखा दूँ आपको कैमरे में, देखिए यहाँ इस टैप से लगा रहता है, सारे वायर्स यहाँ लगे रहते हैं। सिर्फ वायर को खोल लीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। वायर को खोलने के बाद ये देख सकते हैं हमारा ये जो यहाँ दोनों हिस्सा को देख सकते हैं, आराम से देखिएगा, गौर से समझिएगा। भी देखिए, मैं ये टेफ्लॉन लगा लेता हूँ ताकि हीटर मेरा डैमेज ना हो। देखिए, हीटर जब भी खोलिएगा बहुत सावधानी से खोलिएगा, और टेफ्लॉन वगैरह बदलने के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया है, और कैसे टेफ्लॉन से प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो वीडियो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पैसा ही बचाना सिखाऊंगा, हमेशा बचाने के लिए बताता हूं कैसे बचाए। देखिए, इसके लिए आपको आपके फ्रेंड के पास या आपके पास कोई मल्टीमीटर है, देखिए, तो इसके माध्यम से भी काम कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। नहीं है तो कहीं जो है इस किन्हीं से मांग लीजिए। और आपको क्या करनी, ये हमारा जो ये कंटिन्यूटी है उस पर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी पर कर लीजिएगा। ओके, प्रॉप्स देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको क्या कर रहे हैं, ये जो मोटा वाला तार है इसको ध्यान दीजिएगा, इसी पे काम करनी है। यहाँ पर ये लगा लीजिएगा। ओके, देखिए दिखा रहा है 83, मतलब हमारा जो कंटिन्यूटी पर दिखा रहे हैं मतलब सही है। तो पानी गिरा मटका से सब्सक्राइब करना इस चैनल को झटका से दोस्तों, अब बेल आइकन दबाना फटका से, ये देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो हमारा 50.0 है, ये हमारा डिस्प्ले होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जब प्रिंट करते हैं। प्रिंटर कभी कभी रेडी हो जाती है, देखिए प्रिंटर रेडी हो जाएगा लेकिन प्रिंटर नहीं होता है, प्रिंटर हैंग भी करने लगता है, इसमें यही 50.0 में एरर होता है। इसका सॉल्यूशन जो सबसे पहले हीटर चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरा इसके बोर्ड की तरफ। देखिए, एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ये बोर्ड हमारा है, देख सकते हैं, ये बोर्ड को ज़रूर देखिएगा, ये हमारा पावर बोर्ड है। देखिए, एक उस तरफ रहता है जो छोटा सा बोर्ड होगा, वो आपका लॉजिक कार्ड उसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हीटर को क्लीन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फर्मवेयर को अपडेट कर लीजिएगा। देखिए, फर्मवेयर जो होता है ना उसके कारण बस भी ये होते रहता है। उसके बाद जो हमारा है सेकंड जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये जो हमारा मॉसफेट वगैरह लग रहता है, ओके, ट्रांजिस्टर रहता है, रिले रहता है, उन सभी के कारण ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है मॉसफेट के कारण होता है। मॉसफेट होता कहाँ है, कैसे होता है वो दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है मॉसफेट है, ये देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मॉसफेट है। ओके, इन सभी मॉसफेट को चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पर जूम थोड़ा सा करके और दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं ब्लू वाला इसके बगल में, ये मॉसफेट है, देख रहा होगा आपको लोहा 2-3 को, इसको आपको चेंज करनी होगी। ओके, देखिए यहाँ जो है मैं जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ बट ये दिख नहीं रहा है। तो खुलिएगा ये हिस्सा ना पूरा बॉडी को, तब वहाँ आपको दिखेगा। ये जो स्टील वाला है इसमें मॉसफेट रहती है। देखिए, मॉसफेट हर समय वहीं रहती है जहाँ पर उसको क्या किया जाए, कुछ ठंडा मिले। ओके, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ये देखिए मॉसफेट हमारा है, ये हिस्सा देख सकते हैं, ये मॉसफेट है, इसी को चेक करना है। ओके, मॉसफेट को चेक करने के लिए जो हमारा कंटिन्यूटी है जिसको बजर भी बोलते हैं, उस पर भी अपना इस पर कर लीजिएगा। ओके, और मॉसफेट के देखिए यहाँ हिस्सा और यहाँ हिस्सा, इसको प्रोब्स को लगाइएगा, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। देखिए, यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। देखिए, ये हिस्सा आप खोल लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन ये बाहर से भी अगर आपको कोशिश करते हैं चेक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको खोलनी पड़ेगी, और वो आपको परेशानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है,
700-800 के आसपास दिखाता है, तब हमारा मॉसफेट सही रहता है। देखिए एक मॉसफेट यहाँ भी है, इन सभी मॉसफेट देखिए यहाँ पर परेशानी है तो चेक कर लीजिएगा खुद खोल करके। और यहाँ पर जो हमारी मॉसफेट है वो थोड़ा अंदर होती है, देखिए यहाँ पर ये बिना खोले हुए चेक मेरे ख्याल से हो सकती है। देखिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पानी गिरा मटका से सब्सक्राइब करना इस चैनल को झटका से, बेल आइकन दबाना फटका से। दोस्तों देखिए मैं जूम कर करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिस्सा ये, देखिए यहाँ पर भी आप मॉसफेट को चेक कर सकते हैं, बाहर से ही कोई खोलने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ भी आपको 700 कुछ समथिंग दिखा रहा, देखिए यहाँ स्क्रीन पे मैं थोड़ा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो इस प्रकार से आप मॉसफेट को बाहर से भी चेक कर सकते हैं, देखिए यही मॉसफेट है। ओके तो इस प्रॉब्लम को हम लोग पहला तो क्या कर सकते हैं, फर्मवेयर वगैरह को थोड़ा, सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम का होता है फॉल्ट आपका हीटर से, सेकंड फर्मवेयर वगैरह अपडेट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। फिर आपका इसमें ज़्यादातर मॉसफेट का प्रॉब्लम होता है रिले ट्रांजिस्टर वगैरह का होता है, अगर कोई उस प्रकार के काम करते हैं बोर्ड से संबंधित तो वहाँ पर आप दिखवा सकते हैं किसी ये आपको, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते लेकिन मॉसफेट के बारे में बताएँ उससे ज़्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार।